सो हेलो एवरीवन, मैं कपिल गौतम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके ही अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दक्षिणा ई क्लासरूम पर। सो आज मैं आपके साथ में आपका जो होमवर्क की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला हूँ फिर से, और ये होमवर्क आपको मोस्टली प्रिज्म वाले मटेरियल में से है आपका, जो आपको सुरेंद्र सर ने पढ़ाया भी होगा। तो इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले आप जो है पहले अपनी शीट को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा जो सर ने होमवर्क आपको दिया है, और लेक्चर को भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा ताकि उसकी चीज़ें मैं यहाँ पर यूज़ करूँ तो आपको कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वैसे तो मैं थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करूँगा, बाई चांस आपसे कोई चीज़ आपको याद नहीं रहती क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो उसके लिए मैं जाऊँगा, फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि एक बार लेक्चर बहुत अच्छे से देख लीजिएगा उसके बाद इस पर आइएगा। सो आपसे मेरा एक और रिक्वेस्ट ये है कि आप साउंड की बेटर क्वालिटी के लिए आप ईयरफोन का यूज़ करिए। सो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 30 पर, आप फटाफट से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 30 के अंदर आपका भाई क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, जरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एग्जाम्पल 30 के अंदर भाई आपको क्या क्या चीज दी है, एक प्रिज्म है जिसका ये एंगल आपका 60 दे रखा है, ठीक है, और दिया गया है कि आपका जो डेल्टा है वो मिनिमम, मतलब आपका डिवीशन है वो मिनिमम है, ठीक है। इसका जो म्यू है वो कितना दे रखा है, वो 3/2 दे रखा है। और क्या चीजें हैं आपसे पूछा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा और आपका जो डेल्टा मिनिमम वो होगा कितना, ठीक है। तो हम उसके लिए सॉल्व करते हैं भाई। आपको कुछ चीजें इसके अंदर बता दी गई हैं, आपको बता दिया गया है कि डेल्टा मिनिमम के लिए आपका जो आई होता है वो ई के इक्वल हो जाता है। ग्राफ भी आपको अच्छे से बताया गया होगा, ठीक है, तो कर देते हैं। चलिए, आपका अगर आई और ई आपका इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब आपके जो आर वन और आर टू होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है। मतलब ये आपका आई है और ये आपका ई है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और ये भी आपका आर वन है और ये आपका आर टू है। आर वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर R2 हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज होती है, R1 प्लस R2 आपका क्या होता है, A के इक्वल होता है, ठीक है, और R1 और R2 आपके बराबर भी हैं। तो यहां से मैं 2R1 is equal to क्या लिख सकता हूं, A लिख सकता हूं। R1 is equal to क्या आ जाएगा भाई, A by 2, किसके बराबर आ जाएगा ये 30 डिग्री के, क्योंकि A हमारा कितना है 60 है। अब जरा मैं I की बात कर लेता हूं क्योंकि R1 तो मेरे पास 30 आ चुका है, तो यहां पर जरा स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर वन, ठीक है, इस सरफेस पे लगा रहा हूं स्नेल्स लॉ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर कितना आ जाएगा, 3/2 अपॉन में कितना आ जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर किसके वाला कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि भाई साइन आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू कितना हो जाएगा भाई, यहां पर ये साइन आर वन की जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं भाई, साइन थर्टी मेरे पास कितना हो जाता है, साइन थर्टी मेरे पास हो जाता है 1/2। इसका मतलब साइन आई मेरे पास कितना है, 3/4 आ गया, आई मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4। ये मेरे से पूछा भी गया था, ये मेरा एक आंसर आ भी चुका है। अब बात करते हैं भाई डेल्टा की। भाई एक चीज यहां पर देखना कि ये लाइट यहां से ऐसे जा रही है, ठीक है, और ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है, तो यहां पर जितना इसके अंदर डेल्टा आ रहा है उतना ही डेल्टा आपका यहां पर भी आता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका किसके इक्वल है, आई के ही इक्वल है, और ये भी किसके इक्वल है, ये आर वन हो जाता है। तो जितना डेल्टा आपका यहां पर है उतना ही डेल्टा, मतलब इसको अगर मैं यहां पर बोलूंगा डेल्टा वन और ये डेल्टा टू, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा वन मतलब डेविएशन है आपका, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा आपका टोटल हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, डेल्टा वन इज इक्वल टू क्या है आपका, डेल्टा टू भी है। लॉजिक मैंने दे दिया है कि भाई ये आपके क्या है, सारे के सारे एंगल आपके सिमेट्री में जा रही है चीजें, ठीक है। तो यहां से मैं एक और चीज बोल सकता हूं भाई, 2 डेल्टा 1 एक तरीके से क्या हो जाएगा, डेल्टा टोटल, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल्टा टोटल हो जाएगा। अब मैं डेल्टा वन को कैलकुलेट कर देता हूं, ठीक है। अब डेल्टा वन मेरे पास कितना है भाई, डेल्टा वन मेरे पास आ जाएगा भाई आई माइनस कितना होता है आर वन,
आई कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, साइन इनवर्स 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और आर वन कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, आर वन तो दे ही रखा है, आर वन मेरी तरीके एक तरीके से क्या है, ये आपका पाई बाय सिक्स है, तो लिख दो यहां पर पाई बाय सिक्स। इसको जो आप टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जाएगा डेल्टा टोटल, मतलब डेविएशन जो आपसे पूछा गया था। तो एक बार देख सकते हैं आप इसको फिर से, इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये आपका आई निकलता है यहां से, वो आपका डेल्टा निकल जाता है। तो चलिए आते हैं हम एग्जांपल नंबर 31 पे, इसको रब कर लीजिए, तो फटाफट से इसको रीड आउट कर लीजिए आप। एग्जाम्पल 31 काफी इजी है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है आपके लेक्चर के अंदर। क्या चीज है भाई उसके अंदर, ये तो दे रखा है 4 डिग्री एंगल है, मतलब एक स्मॉल एंगल का प्रिज्म है, स्मॉल एपेक्स एंगल का, ठीक है। पूछा गया भाई इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे दिया गया हमें 3/2 दे दिया गया है। पूछा गया है कि भाई इसके अंदर जो डेविएशन होगा वो कितना होगा, डेविएशन हमें निकालना है। तो डेविएशन का इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, आपका a इंटू म्यू माइनस 1 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई 4 × 3/2 − 1, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला ये चीज लर्न होनी चाहिए थी आपको, 4 × कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2, कितना आ जाएगा 2 डिग्री का आंसर आ जाएगा ये तो भाई। अगर किसी को फॉर्मूला याद ना हो ये तो उसके लिए था, ठीक है। उसको फिर फटाफट से जाके अपने नोट्स और लेक्चर फिर से रिवाइज कर लेने चाहिए, जिसको भाई ये वाला क्वेश्चन भी देखना पड़ रहा है। आगे देखते हैं भाई, आगे हम आपके आते हैं सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आ जाइए, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे फटाफट से, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आ जाइए। सेल्फ प्रैक्टिस नंबर 20 को हम डील करेंगे यहां पर, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 20 को डील करेंगे, इसको नाम दे रहा हूं सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आपकी शीट के अंदर ही दे रखी है। इसके अंदर मैं डील कर रहा हूं आपकी प्रॉब्लम नंबर 20 को, भाई क्या दे रखा है इसके अंदर, एक प्रिज्म है दिया गया है भाई, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म, मतलब कि आपका जो डेल्टा, मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपकी जो है, एक तरीके से मिनिमम डेविएशन, ठीक है, इसको हम डेल्टा मिनिमम भी बोलते हैं। आपका इक्वल है किसके, एंगल ऑफ द प्रिज्म के, ए के इक्वल दे दिया है, ठीक है। और म्यू दे रखा है, म्यू है हमारे पास 1.5। पूछा क्या गया है भाई, ए बताना है, ए बताना है, ठीक है। अब एक चीज देखो भाई, डेल्टा का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, डेल्टा मिनिमम के लिए हमारे पास क्या चीज हो जाती है, डेल्टा मिनिमम के लिए आई इज इक्वल टू ई हो जाता है, ठीक है। किसके लिए होता है, फॉर डेल्टा मिनिमम, ठीक है, ये चीज आपको बता रखी होगी। और डेल्टा के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई प्लस ई माइनस ए होता है, ठीक है। डेल्टा हमें मिनिमम दे रखा है, अगर मैं मिनिमम के लिए यहां पर सॉल्व करूंगा तो डेल्टा मिनिमम क्या है, ए है, ठीक है। डेल्टा मिनिमम पे आई इक्वल टू ई हो जाता है, मतलब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 2i भी लिख सकता हूं, ठीक है, यहां पर मैं 2i भी लिख सकता हूं। और ये क्या हो जाएगा भाई आपका, ये तो a का a ही रहेगा, मतलब i इज इक्वल टू, एक तरीके से मेरे पास क्या आ गया भाई, i इज इक्वल टू मेरे पास आ गया a, क्योंकि a यहाँ पर 2a हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, i मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, इस तरीके से 2 आ जाएगा, ठीक है। i यहाँ पर 2 आने के बाद में एक चीज, जरा इसका रे डायग्राम बनाते हैं, और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि आपका जो आर वन है
जब डेल्टा मिनिमम होता है तो आर वन आपका आर टू के इक्वल हो जाता है, तो आर वन इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया आपका ए बाय टू हो जाएगा, क्योंकि आर वन आपका आर टू के इक्वल हो जाता है, आर वन इक्वल टू आर टू हो जाता है, और आर वन प्लस आर टू क्या होता है वो ए के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा आई मेरे पास आ ही चुका है, ए के इक्वल है, तो स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू क्या है भैया आपका इक्वल टू 3/2 रखा ना यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, आई मेरे पास क्या है साइन ए अपॉन में साइन आर के क्या लिखूंगा साइन ए बाय टू। ठीक है, अब साइन टू थीटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 into a/2, और साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 2 sin a/2। भाई थोड़ा सा मैथ्स का है आपका तो ध्यान रखिएगा, ये आपका फॉर्मूला बहुत कभी स्टार्टिंग में शायद कभी कुछ भूल गए हो, तो साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा, तो a को मैंने क्या कर दिया 2 into a/2 करके लिख दिया है, ये क्या आ जाएगा मेरे पास साइन ए बाय टू आ जाएगा, इसको मैंने कर दिया कैंसिल। ठीक है, ये मेरा किसके इक्वल आ रहा है 3/2 के इक्वल आ रहा है। अब जरा जब हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, 2 को इसके नीचे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 आ जाएगा। भाई इस चीज को मैं जरा यहां पर जाके ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, इस पूरी चीज को कि किस तरीके से कॉस ए बाय टू इज इक्वल टू आ गया आपका 3/4, ए क्या आ जाएगा भाई यहां से मेरा ए आ जाएगा 2 into cos inverse 3/4। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी, ये चीज यहां से इस तरीके से इसको फटाफट से देख लीजिएगा, आई थिंक कोई ज्यादा चीजें दिक्कत नहीं किसी भी स्टेप में। ठीक है, यहां पर पहले मैंने डेल्टा को लिखा है, मतलब सारी चीजें आपकी एक्सप्लेन है, एक बार कंफ्यूजन हो गया हो तो फिर से रिवाइंड करके फिर से आप देख लीजिएगा तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम आगे बढ़ते हैं, अब आ जाइए आप सॉल्व्ड मिसलेनियस प्रॉब्लम्स का आपका प्रॉब्लम नंबर 18, सॉल्व्ड मिसलेनियस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम नंबर 18 इसको मैं रख कर रहा हूं भाई। सॉल्व मिसलेनियस प्रॉब्लम में सॉल्व मिसलेनियस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नंबर 18 हम डिस्कस करेंगे, क्या दे रखा है भाई आप लोग फटाफट से आप भी रीड आउट कर सकते हैं, मैं यहां पर है, मैं भी यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, एंगल दे दिया गया 75। ठीक है, आपका इंसिडेंट एंगल भी दे दिया गया, कितना दे दिएगा भाई ये आपको दे दिया गया 45 डिग्री। ठीक है, और ये म्यू आपको क्या दे दिया गया अभी, म्यू आपको दे दिया गया √2। ठीक है, पूछा क्या गया है, दो तीन चीजें पूछी गई, एक तो ये आर वन बताओ, ये आर टू बताओ, और ये एमरजेंस एंगल, मतलब आर वन आर टू और एमरजेंस एंगल आपको इसके अंदर बताने हैं। इजी सा क्वेश्चन है भाई, ये भी यहां पर पहले क्या करो स्नेल्स लॉ लगा लो, स्नेल्स लगाते साइन 45 अपॉन में साइन आर वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई आपका सीधे सीधे √2 आ जाएगा। ठीक है, और साइन आर वन इस तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2, भाई इसको सॉल्व करोगे आराम से आ जाएगा आपका 1/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, √2 जब इकट्ठे हो जाएंगे क्या बनाएंगे 2 बना देंगे, तो साइन आर वन आपको उधर जा चुका होगा, तो साइन आर वन क्या हो जाएगा 1/2, आर वन यहां से क्या हो जाएगा भाई आपका आर वन हो जाएगा 30 डिग्री आ गया, इसकी तो वैल्यू हमें पता है साइन आर वन की, तो ठीक है यहां पर अब मेरे पास आ चुका है मतलब 30 डिग्री आ चुका है। अच्छा, एक और चीज मेरे पास होती है आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू क्या होता है एंगल ए होता है, आर वन की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है और ए की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, भाई आर वन मेरे पास कितना हो जाएगा 30 प्लस आर टू इज इक्वल टू कितना हो गया 75, आर टू यहां से मेरे पास कितना आ गया 45 डिग्री आ चुका है। ठीक है, R2 मेरे पास आ गया, फिर से मैं यहां पर क्या करूंगा स्नेल्स लॉ का यूज कर देंगे,
वो तो हमारे पास होती है भाई इस सरफेस के लिए, तो कितना हो गया साइन आर टू अपॉन में साइन ई, कितना आ गया भाई, ये तो आर वन आपका आ चुका है, आर टू आ चुका है, ठीक है, और साइन ई मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहां पर कितना वन हो गया, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहां पर कितना हो गया अंडर रूट टू, आर टू मेरे पास कितना है भाई, आर टू तो मेरे पास वन बाय रूट 45 डिग्री है, कितना हो जाएगा साइन 45 कितना हो जाएगा भाई, डायरेक्ट लिखा हूं वैल्यू वन बाय रूट टू, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया साइन ई बाय रूट टू, रूट टू को रूट टू खा चुका है, तो यहां पर क्या आ जाएगा साइन ई इज इक्वल टू वन, इसका मतलब ई की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी पाई बाय टू आ गई, मतलब कि ये आपका कैसा हो गया ग्रेजिंग इमरजेंस के जैसा होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस की जैसा होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपके, अब आ जाइए आप भाई प्रॉब्लम नंबर 19 पर, फटाफट से इसको देख लीजिए, प्रॉब्लम नंबर 19 में भाई, प्रॉब्लम नंबर 19 में आपका क्या करा गया है, आपको डेल्टा वर्सेस आई का एक ग्राफ दे दिया गया है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, और आपको क्या पोजीशनिंग दे दी गई है थोड़ी सी, ये आपका जैसे ये कितना हो गया भाई, ये आपका डेल्टा जो है 30 दे दिया गया है, ठीक है, और ये आपका कितना दे दिया गया है, ये भी आपको 30 दे दिया गया है, और आप तो जानते ही हैं कि अगर डेल्टा मिनिमम आपका नहीं है तो आपको एक सेम डेल्टा के लिए मतलब सेम डेविएशन के लिए दो इंसिडेंट एंगल आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और ये दूसरा क्या है 68, जरा इसका एक बार बना के देखते हैं कि होती क्या है ये चीजें, ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा, आपसे ये क्या पूछा गया फाइंड द एंगल ऑफ द प्रिज्म, मतलब अगर ये ग्राफ आपको दे रखा हो तो आपके एंगल ऑफ द प्रिज्म निकाल पाएंगे, जरा देखते हैं कि भाई ये दो एंगल हमारे पास मिलते कैसे हैं एक प्रिज्म में, एक जैसे कि यहां पर हमारे पास आया यहां पर इस तरीके से गई और ये निकल गया, ये आपका आ गया आई, ये आपका आ गया आर वन, ये आपका आ गया आर टू और ये आ गया आपका ई, ठीक है, रे आपकी ऐसे गई और ऐसे निकल गई, ठीक है, इस तरीके से करके आपका एक डेविएशन होगा, अगर मैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का यूज करूं और एक लाइट रे को यहां से भेजता हूं, यहां से भेजूंगा तो क्या होगा, ऐसे जाएगी और इसी पाथ को ऐसे फॉलो कर ले जाएगी, मतलब यहां से पूरी वापस जाएगी, तब भी तो डेविएशन उतना ही होगा जो पहले था, इसका मतलब एक ही डेविएशन के लिए हमारे पास दो एंगल अवेलेबल होते हैं, इसका मतलब अगर मैं इस आई की जगह इस एंगल ई को कर देता हूं तब भी मेरे पास सेम ही डेविएशन आएगा, तब भी मेरे पास आपका सेम ही डेविएशन आएगा, ये चीज आपको अच्छे से शायद से यहां से क्लियर हो रही होगी, एक बार इसको फिर से बोल देते हैं भाई, यहां से लाइट गई और ऐसे निकल गई, मतलब हमारे पास कुछ डेल्टा आ गया, अब अगर लाइट ऐसे आ जाए तो इसी पाथ को फॉलो करेगी, ठीक है, तो वो भी मेरे पास डेल्टा आएगा, वो भी डेल्टा आपका क्या हो जाएगा, आपका रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से दोनों डेल्टा सेम होंगे, इसका मतलब वो जो दो एंगल होते हैं अगर एक एंगल आई है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, दूसरा एंगल ई हो जाएगा, ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं भाई आपका जो डेल्टा होता है एक फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है आई प्लस ई माइनस ए, अब डेल्टा की वैल्यू दे दीजिए कितनी है 30, ठीक है, अब अगर ये आई है तो ई क्या रहा होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये रहा होगा क्योंकि यहां पर भी आपकी सेम वैल्यू आ रही है डेल्टा की, ठीक है, जो यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं एक प्रिज्म को बना के, तो क्या हो जाएगा भाई 30, आई कितना हो गया 30 प्लस ई कितना हो गया मेरे पास 60 इज माइनस ए आ गया भाई, 30 को 30 इधर खा गया, ए को मैं इधर लेके आऊंगा, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये क्वेश्चन देखने में जितना डिफिकल्ट था अगर आप थोड़ा सा यहां से रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को सोचते, बस यहीं पर इसमें हिट करना था कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को यूज करके आप ये निकाल लेते कि इस आई के कॉरस्पॉन्डिंग ई जो है ये होगा, ठीक है, फिर तो क्या है, फिर इस फॉर्मूले का यूज है जो बार बार होता ही रहता है प्रिज्म के अंदर, उसके बाद तो ये प्रॉब्लम सॉल्व ही होने वाली थी, काफी से ठीक ठाक सी प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम के लिए पॉसिबिलिटी एक बनती है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप अपने लास्ट तक ध्यान में रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाइए भैया प्रॉब्लम या आपकी एक्सरसाइज डी के लिए, डी के अंदर है, डी वन प्रॉब्लम से शुरू करेंगे। इसको फटाफट से देख लीजिए। D1 प्रॉब्लम के अंदर, D1 प्रॉब्लम के अंदर भाई आपका दिया गया है, एक प्रिज्म बना दिया गया इसके अंदर, ठीक है। एक प्रिज्म बनाने के बाद बोला गया कि आपका इंसिडेंट रे इस पे आता है और पहले सरफेस पे कैसे आता है, परपेंडिकुलर आता है। परपेंडिकुलर आता है तो आपका I इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, 0, और R भी कैसा हो जाएगा, R1 भी आपका 0। R1 ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, म्यू इसका दे दिया कितना, √2 दे दिया है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका R1 प्लस R2 कितना होता है भाई, A के बराबर होता है। ये तो आपका क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, तो R2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 30 डिग्री। मतलब कि ये आपका ये एंगल कितना हो चुका है, 30 डिग्री हो चुका है, ठीक है। पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया कि भाई डेल्टा बताओ, मतलब डेविएशन बताओ इस रे के अंदर। तो डेविएशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं भाई, पहले यहाँ पर E निकाल लेते हैं, वही आपका डेविएशन होगा, क्योंकि यहाँ पर तो जब पहले यहाँ से रे आया तो यहाँ पर तो कोई डेविएशन आपका नहीं हुआ है, यहाँ तो सीधा ही आ गया, जो भी डेविएशन हुआ इसका इस सरफेस पे हुआ। तो यहाँ पर जरा देख लेते हैं, स्नैप लॉ लगाएंगे, साइन 30 अपॉन में साइन ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ई का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहाँ पर 1, 30 का यहाँ पर कितना, √2। तो कितना हो गया भाई, साइन ई इधर चला जाएगा, साइन ई इज इक्वल टू साइन 30 कितना हो गया, 1/2, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √2। साइन ई कितना आ जाएगा भाई आपका, 1/√2। ई कितना आ जाएगा भाई आपका, 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो ई माइनस आपका जो डेल्टा होगा, ई माइनस सीधे सीधे क्या कर दो, ई माइनस आप R2 कर दीजिए, ठीक है। E माइनस R2 मतलब 45 माइनस R2, R2 वैल्यू 30 कितना आ गया भैया, 15 डिग्री का आपका डेविएशन आ गया, ठीक है, जो शायद आंसर भी आपका मैच हो जाएगा। अब फटाफट से आते हैं आपके, फटाफट से आते हैं आपके D2 पर। इसको रब कर रहा हूं भाई मैं, D2 क्वेश्चन फटाफट से आप अपनी रीड आउट कर लीजिए। D2 क्वेश्चन के अंदर आपका क्या दिया है भाई, आपका एक प्रिज्म है, आई थिंक पेन से आपको दिखेगा नहीं इससे, D2 क्वेश्चन के अंदर भाई आपका क्या है, ये एंगल ऑफ द प्रिज्म दे दिया है, कितना है ये, 60 दे दिया है, ठीक है। पूछा गया है, बोला गया है कि भाई इसके अंदर क्या होता है, आपका मिनिमम डेविएशन होता है, ठीक है, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, √2 है। तो हमें उसके रिगार्डिंग हमारा आई बताना है, ठीक है, हमें क्या बताना है, आई बताना है। तो ठीक है, ये तो चीज पता है कि जब हमारा डेल्टा मिनिमम होता है तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई होता है, और आपका इसी तरीके से क्या होता है, R1 इज इक्वल टू R2 हो जाता है। किसके लिए हो जाते हैं भाई, ये होती है आपकी डेल्टा मिनिमम की कंडीशन है, I इज इक्वल टू ई किसके लिए, डेल्टा मिनिमम के लिए, R1 इज इक्वल टू R2 किसके लिए, डेल्टा मिनिमम के लिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब निकालना शुरू करते हैं फटाफट से, और यहाँ पर आपका क्या आ गया, यहाँ पर आपका I आ गया, ये मैंने करा आपका R1, और इसको मैं R2 रख के सीधे R1 ही लिख रहा हूँ इस बार, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से आपका I हो जाएगा, इस तरीके से ये मेरे पास आता है मिनिमम डेविएशन का सीन, ठीक है। फटाफट से कर लेते हैं भाई इसको, इसमें क्या हो जाएगा, साइन भाई R1 इक्वल टू R2 आपका क्या होता है, R1 प्लस R2, यहाँ पर एक और चीज है, कितना होता है, 60 होता है, मतलब इक्वल टू A था ना वो, तो आपका R1 कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा R1 इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 30 डिग्री, तो साइन आई अपॉन में साइन R1, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहाँ कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। साइन
आई यहां से कितना आ जाएगा, साइन आर वन की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी भाई, साइन थर्टी की वैल्यू वन बाय टू, और यहां पर क्या आ गया रूट टू। जरा देखते हैं साइन आई इजिकल टू कितना आया, वन बाय टू टू, आई कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है 45 डिग्री आ जाएगा। कौन सा प्रॉब्लम था भाई, ये हमारा था डी टू था, ये वाला प्रॉब्लम हमारा डी टू था। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाइए फटाफट से आप डी थ्री पर, डी थ्री को रीड आउट कर लीजिए। डी3 प्रॉब्लम में, डी3 प्रॉब्लम में आपका क्या दिया गया भाई, डी3 प्रॉब्लम में आपका दिया गया है एक प्रिज्म बना दिया गया है, उसका एंगल दिया गया है आपको 30 डिग्री, ठीक है, और आपको इंसिडेंस एंगल भी दे दिया गया है कितना 60 डिग्री, ठीक है, और क्या चीज है भाई, ऐसे आएगा इसमें ऐसे एंट्री होगी और ऐसे आपकी निकल जाएगी, ये आपकी क्या होगी एमरजेंट रे होगी, एमरजेंट रे होगी, ये आपकी क्या है ये इंसिडेंट रे होगी। एक और चीज इसने यहाँ पर इसमें दे दिया है, और एक और चीज में यहाँ पर इसने दे दिया है वो ये चीज है कि आपकी जो एमरजेंट रे है वो इंसिडेंट रे के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब जैसे कि अगर ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी ऐसे एमरजेंट रे है तो इसका जो इसका एंगल है वो 30 डिग्री है। डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमें ये चीज कहना चाह रहा है किसके थ्रू कि हमारा जो डेल्टा है मतलब डेविएशन वो कितना है एक तरीके से 30 डिग्री दे दिया है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ चुका है डेल्टा आ चुका है, डेल्टा कितना आ चुका है 30 डिग्री दे चुका है। अच्छा डेल्टा के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी होता है भाई, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, क्या होता है आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है, डेल्टा हमारा कितना दे दिया 30, आई कितना हो गया 60, ई कितना है पता नहीं, ए कितना है 30 है, ठीक है, तो यहां से मेरे पास ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ई की वैल्यू यहां से आ जाएगी मेरे पास 0, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। अब भाई जब ई की वैल्यू इसमें हमारे पास कितनी आ गई 0 आ गई, तो इसका मतलब ये जो रे होगी ये इस वाली लाइन के साथ में ही जा रही होगी, ठीक है, ऐसे करके कुछ इस तरीके से, मतलब ये इसका एंगल जो यहां पर होगा ना ये भी आपका क्या होगा 0 होगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब आपका एक तरीके से आर टू भी क्या हो चुका है 0 हो चुका है, ठीक है, जब भाई ई 0 है तो आपका आर टू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, छोटी सी चीज है तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं भाई, ये कैसे आते हैं जब मीडियम आपका चेंज हो रहा होता है, आपका क्या नॉर्मली गिर जाए उस मीडियम के ऊपर तो आपका क्या होता है आई और आर दोनों बराबर हो जाते हैं, वो कितने होते हैं 0 हो जाते हैं, ठीक है, और अगर मैं आर वन की बात करूं तो आर वन प्लस आर टू आपके किसके एक इक्वल होते हैं, एक किसके इक्वल है भाई यहाँ खुद 30 के इक्वल है, आर टू तो मेरा 0 हो चुका है, आर वन मेरे पास कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अच्छा आर वन मेरे पास आ चुका है 30, ये हो गया बहुत बढ़िया बात हमारे पास, ठीक है, अब इसका मैं यूज करके इसके ऊपर लगा दूंगा सिनेरियो, भाई 60 है 30 है और तो मेरे पास म्यू आई जाएगा, लगा देते हैं साइन 60 अपॉन में साइन 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगी मेरे पास म्यू की वैल्यू, साइन 60 मेरे पास कितना होता है भाई, साइन 60 √3/2 कर देते हैं √3/2 और यहां 1/2, तो म्यू एक तरीके से क्या आ गया, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू √3, ये फाइनल आंसर है जो हमसे पूछा गया था। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी इसकी, ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं फटाफट से D4 क्वेश्चन को, D4 क्वेश्चन को फटाफट से रीड आउट कर लीजिए आप लोग। D4 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि हमें कंडीशन निकालनी है भाई नो एमरजेंसी के लिए, ठीक है, क्या दिया गया है भाई,
एक तो इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो सी दे दिया गया है और इसका एंगल दे दिया गया है हमारे पास ए, ठीक है। तो हमारे पास कुछ कंडीशन है और ए और सी के रिगार्डिंग हमें कुछ कंडीशनिंग ऐसे निकालनी है कि जिससे कोई भी एमरजेंट रे इससे बाहर ना निकलने पाए। तो एक चीज देखते हैं भाई, एक केस आपने पढ़ा हुआ है पहले से, एक अगर इसके ऊपर इंसिडेंस रे आती है तो एक इंसिडेंस रे हमारे पास ऐसे मिल जाती है जिसकी वजह से आपका जो है ग्रेजिंग एमरजेंस हो जाता है, ठीक है। ग्रेजिंग एमरजेंस हो जाता है, ये आपको क्या होता है एंगल ई होता है और ये हमारे पास ग्रेजिंग एमरजेंस हो जाता है। और इसी के थ्रू हमारे पास क्या चीजें मिल जाती है भाई, इसी के थ्रू हमारे पास मिल जाती है मैक्सिमम डेविएशन की भी चीजें, ठीक है। उसपे नहीं जाते हैं, ये अभी हमारे पास क्या मिल गया, ग्रेजिंग एमरजेंस मिल गया। अब जरा ये चीज सोचिए कि जब हम इस आई को थोड़ा छोटा करने लगेंगे, ठीक है, जब हम इस आई को थोड़ा छोटा करने लगेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये अगर मेरे पास आर वन है तो आर वन मेरे पास क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये आर टू क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि आर वन प्लस आर टू क्या होता है, ए होता है। अगर आर वन छोटा होगा तो आर वन बड़ा हो जाएगा, सॉरी आर वन छोटा होगा तो आर टू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और आर टू अगर इससे बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, टी आई आर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आई को अगर छोटा करता हूं तो आर वन छोटा होगा, आर वन छोटा होगा तो आर टू बड़ा होगा, आर टू बड़ा होगा तो टी आई आर हो जाएगा। मतलब आई के छोटे करने से टी आई आर होता है, आई के छोटे होने से टी आई आर होता है। अगर मैं इस आई को थोड़ा बड़ा करने लगूं तो मेरे पास टी मैं टी आई आर से बच जाऊंगा। टी आई आर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी बात हो रही है यहां पर, कि एमर्ज तभी तो होगी जब इसके यहां पर क्या है कि टी आई आर ना हो। तो हम थोड़ा सा एक्सट्रीम कंडीशन की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई, अगर इस आई को मैं बढ़ाने लगूं तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप को टी आई आर से बचा लूंगा। अच्छा, बढ़ा बढ़ा के भी बताओ, मैं इसको मैक्सिम मतलब एक तरीके से आई की ताकत को बढ़ा रहा हूं, आई अपनी ताकत को बढ़ाएगा और टी आई आर से बच जाएगा। अब इसकी मैं सोचता हूँ कि भाई तू बढ़ा ले अपनी ताकत, ये अपनी मैक्सिमम कितनी ताकत बढ़ा सकता है भाई, ये ग्रेजिंग इंसिडेंस हो जाए, मतलब ये 90 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। अब मैं करता हूँ कि भाई तू 90 होके भी तू यहां से क्या होगा, एमरजेंसी निकलेगा, और इससे हल्का सा क्या हो गया, बड़ा, इससे हल्का सा कम होते क्या हो जाएगा, टी आई आर हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर 90 के ऊपर यहां पर एमरजेंस की कंडीशन निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा है? तो इस पे जरा देखते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं भाई। जब ये यहां पर 90 हो गया और ये भी आपका क्या है 90, तो आर वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर आर टू हो जाएगा, ठीक है। अब आर वन इज इक्वल टू आर टू और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, ये एंगल हो जाएगा सी, ठीक है। और अगर ये आर वन प्लस आर टू आपका कितना हो जाता है, एंगल ए के बराबर हो जाता है, ठीक है। और आर वन किसके इक्वल हो चुका है, खुद सी के इक्वल हो चुका है। तो यहां से अगर मैं इसको देखूंगा ये कितना आ गया भाई, एक तरीके से टू सी इज इक्वल टू आ गया मेरे पास ए, ठीक है। आर वन इज इक्वल टू क्या हो चुका है भाई यहां पर, देखा ना कि किस तरीके से, अगर ये यहां पर आपका क्या है, मैंने मैक्सिमम बड़ा कर दिया और उसके बावजूद भी मैं बोलूंगा कि ये इसके अंदर से निकल नहीं पाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, वो कंडीशन आ गई मेरे पास, ये कि यहां से निकल के सामने आई, ठीक है, कि 2c इज इक्वल टू ए हो जाएगा। किस तरीके से हमने करा है मैंने पूरा आपको बता दिया है कि भाई यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका आर वन हो जाएगा, आर वन इज इक्वल टू आर टू हो जाएगा, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। आर वन प्लस आर टू आपका ए होता है, आर वन आपका सी के बराबर है, इस तरीके से करके 2c इज इक्वल टू ए आ गया है, ठीक है। आई होप कि मैं आपको पूरा अच्छे से ये वाली चीज तो समझा पा रहा हूँ। अब जरा देखते हैं कि अगर ए की वैल्यू, ठीक है, अगर आपके ए की वैल्यू इससे बड़ी हो गई, ठीक है, अगर आपके ए की वैल्यू ग्रेटर देन 2c हो गई, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर से कोई भी रे बाहर नहीं निकलेगी। तो आपका यहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये सर आप कैसे कह पा रहे हैं कि हाँ भाई ए की वैल्यू आपकी जो है इससे बड़ी हो जाएगी। भाई यहां पर तो इनइक्वालिटी वो ये वाली भी आ सकती थी ना कि ए लेस देन, इसको वैसे तो मैथमेटिकली बता सकते थे लेकिन मैं आपको इसको फील कराता हूं, ठीक है। ए आपका क्या है, लेस देन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाली चीज सही होती तो इसके अंदर क्या होगी चीजें, ये समझो कि भाई प्रेजेंट को तुम पिचका ले रहे, भाई किसके अंदर आपका टी आई आर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है, ये तो जैसे ये खुला हुआ पूरा प्रेजेंट है, यहां से मैंने एक लाइट रे डाली, ठीक है, और ये आपकी थोड़ी सी इस तरीके से हो जाएगी, और यहाँ पर ये देखो यहाँ पर ये एंगल बड़ा हो जाएगा, और इसको मैं जैसे जैसे इसको पतला करता जाऊंगा तो ये आपका इतना भी हो सकता है, इसके अंदर तो टी आई आर होने की पॉसिबिलिटी और भी कम हो जाती है भाई।
ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसलिए मैं आराम से बोल पाया कि हाँ भाई ए को जो है टू सी से बड़ा ही होना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और बड़ा होने के साथ ही इक्वालिटी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। उसके पीछे कारण यह है कि यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है कि सर ये इक्वालिटी क्यों आ गई है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज देखो कि यहाँ पर मैंने क्या एंगल लिया, 90। एक्चुअल में 90 हम थियोरेटिकली लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 90 अगर ले लिया तो रे तो ऐसे सीधी निकल जाएगी ना, इसमें एंटर नहीं कर पाएगी, तो एंगल को क्या होना पड़ेगा, थोड़ा 90 से छोटा। और छोटा होते ही क्या गेम होने लगता है, यहाँ पर होने लगता है TIR हो जाएगा तुरंत, टाइम नहीं लगेगा इसके इस खेल में, समझ रहे हैं आप। तो ये वाली चीज इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वालिटी भी इसको डाल पाया बहुत इजीली, कुछ ज्यादा इसमें झमेला हम नहीं करेंगे आपके हिसाब से, ठीक है। इतने पे बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, पर ठीक है अभी ये चीज आपको ऐसे समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से D5 के लिए। D5 क्वेश्चन भी भाई फटाफट से रीड आउट कर लीजिए। एक प्रिज्म बना दिया गया है, एक प्रिज्म बना दिया गया है, ठीक है। प्रिज्म का एपेक्स एंगल आपको 75 दिया गया है और बोला गया है कि भाई ये सेकेंड सरफेस पर जो इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल पे है सी पर, इसका म्यू दे दिया गया है, म्यू है आपका रूट। अब ये क्रिटिकल एंगल ये सी जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये 1/ में साइन इनवर्स 1/ में म्यू के इक्वल होगा। बहुत बार आपको घिसवाया गया होगा ये वाली चीज, ठीक है, अब तक तो याद हो भी जानी चाहिए आप सभी को। सी इज इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा भाई, 1/μ की बात करूंगा तो 1/√2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। मतलब ये एंगल हमारे पास आ चुका है कितना, 40। अच्छे से लिखते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, ये सी था तो ये आपका कितना हो गया, 45 डिग्री हो चुका है। अच्छा ये एक तरीके से क्या है, ये R2 भी है, ये क्या है मेरे पास, ये R1 है। एक और चीज पता है, R1 प्लस R2 आपके कितने होते हैं, A के इक्वल होते हैं। R1 क्या होगा निकालना है, प्लस आपका क्या है R2 45, A की वैल्यू 75। भाई R1 कितना हो जाएगा, समझदार बच्चे हो आप लोग, जोड़ घटा तो जानते ही हो, कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। यहां पर आ गया मेरे पास 30 डिग्री। अच्छा अब मैं लगाऊंगा स्नेल्स लॉ, फिर से साइन I अपॉन में साइन R1 इज इक्वल टू क्या है, म्यू के इक्वल है, सबकी वैल्यू डाल देते हैं। साइन I मुझे निकालना है, म्यू की वैल्यू कितनी है √2, ठीक है। साइन R1, साइन R1 क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, साइन R1 1/√2 आ जाएगा। तो साइन I की वैल्यू आई 1/√2, दिस एम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू 45, ठीक है। I ही निकालना था। अब फटाफट से आ जाइए भैया क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, हटा देते हैं इसको। दिया गया है भाई एक स्मॉल एंगल प्रिज्म है, ए ये स्मॉल है, मैंने थोड़ा सा बनाया बड़ा है ताकि आपको अच्छे से दिखने में सहूलियत हो सके, ठीक है। ये ए है, ए आपका स्मॉल है, स्मॉल दिया क्या गया है भाई, एक रे ऑफ लाइट इसके ऊपर आती है, इंसिडेंट होती है, वो इसके ऊपर एक तरीके से परपेंडिकुलरली हिट करती है ऐसे, और ये परपेंडिकुलरली निकल जाएगी। मतलब कि आपका एक तरीके से दे दिया एमरजेंस एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। R2 भी क्या हो गया, अपने आप में ही जीरो हो गया, ये चीज भी जानने की बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। और देखते हैं जरा, अब अगर आपका R2 जीरो हो चुका है तो R1 प्लस R2 क्या होता है भाई, आपका R1 प्लस R2 होता है आपका A,
तो R1 यहां से कितना आ जाएगा भैया, R2 तो कितना हो गया, ये तो जीरो है, तो R1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब कि ये R1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। अच्छा ए तो स्मॉल है तो R1 भी क्या हो जाएगा, स्मॉल ही होगा भाई, ये कैसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आई भी है, अब ये देखो आप जब R1 आपका स्मॉल है तो आई भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से स्मॉल एंगल ही होगा। ठीक है, जरा देखते हैं आप आगे करके और क्या चीजें हैं। अच्छा आप स्नैप लॉ लगा देते हैं, साइन आई अपॉन में साइन R1 भैया आ गया ना, इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू के इक्वल होना चाहिए। अच्छा जब ये चीजें छोटी होती हैं तो साइन आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो साइन आई इज इक्वल टू आई हो जाएगा, साइन R1 इज इक्वल टू R1 हो जाएगा। अब R1 किसके इक्वल है, A के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर वो भी I अपॉन में A इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू आ गया, I की वैल्यू कितनी आई, म्यू ए आ गई। ठीक है, सिंपल सी चीज थी, यहां पर ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब ये तो हो गया डायरेक्ट मैथमेटिकल वाला, अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए और मेरे से पूछोगे कि मैं कैसे करूंगा, इसको देखते हैं भाई, एक और तरीका भी पॉसिबल है। क्या है, हमें एक स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए डेविशन का फॉर्मूला पता है, वो कितना होता है, म्यू माइनस वन इंटू ए, ये क्या होता है, ये मेरे पास डेल्टा होता है जी, ये आपको भी पता है। ठीक है, और डेल्टा का एक और फॉर्मूला भी होता है, आई प्लस ई माइनस ए होता है। अच्छा एंगल ऑफ एमरजेंस यहां पर दे दिया गया, अभी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज भी यहां से दिखती है क्योंकि ये रेस के ऊपर परपेंडिकुलरली निकल जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे, म्यू ए माइनस ए इज इक्वल टू ये वाली टर्म आई माइनस ए, अब ये माइनस ए से माइनस ए कट चुका है, तीन स्टेप में हमारे पास यहां पर ये आंसर तैयार बैठा है जी। ठीक है, दोनों ही मेथड आप अच्छे से समझ लीजिएगा, दोनों ही काम के होते हैं, इससे शायद से आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से छापो। अब आ जाइए D7 क्वेश्चन पे, भाई D7 क्वेश्चन पे आ जाइए। D7 क्वेश्चन पे भी क्या दिया गया भाई, एक तरीके से स्मॉल एंगल प्रिज्म ही दे दिया गया है, कितना है 4 डिग्री का भाई प्रिज्म है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल इंसिडेंट लाइन दिया गया है इसके अंदर और एक प्लेन मिरर दूर कहीं बना दिया गया है। ठीक है, ये देखो ये क्या करेगा भाई, ये इसको डेविएट करता है, सबको पता है ये ऐसे इसको डेविएट कर देगा, ऐसे रे आपका होना शुरू हो जाएगा और ये वापस चल पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने बना दिया एक तरीके से नॉर्मल हो गया। अच्छा ये इसको कितना डिवाइड करेगा, मान लेते हैं भाई वो जो होगा वो Δ1 होगा, मतलब कि ये अगर रे सीधी निकलती तो ये आपका एंगल कितना हो गया, Δ1 हो गया। ठीक है, यहां से ये भी हो चुका है कि भाई ये भी Δ1 हो जाएगा, एक तरीके से क्या है पैरेलल लाइन, ये सीधी करके इसको पैरेलल लाइन, ये आपकी पैरेलल लाइन और ये क्या एक तरीके से ट्रांसवर्स है उसमें से, तो आपका क्या हो जाएगा, ये Δ1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा भाई, आई इज इक्वल टू आर होता है, ये भी आपका Δ1 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं भाई इसका डिवीजन कैसा हो, ये आपका कैसा हो, क्लॉकवाइज हो भाई, रे ऐसे जा रही थी ऐसे घूम गई ऐसे टप्पा करके। ठीक है, और फिर यहां ऐसे आपकी बेंड हो गई है, ठीक है ऐसे करके, और फिर रे आपकी आगे चली 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 मिरर पर स्ट्राइक की टप्पा खाके कैसी वापस, तो मतलब आपका जो इसमें भी हो रहा है आपका ये Δ1 है और यहां पर जो डिवीजन होगा उसे मैं Δ2 मानता हूं, तो दोनों ही कैसे हैं, सेम सेंस के क्लॉकवाइज हैं। ठीक है, इसका मतलब दोनों ही डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, डेल्टा निकलने के लिए Δ1 प्लस Δ2 करेंगे। अब Δ2 का फॉर्मूला कितना होता है भाई, 180 माइनस 2i, आई होप इसको आप तो नहीं भूले होंगे स्टार्टिंग में, मिरर के अंदर आपको पक्की चीज बताई गई होगी। ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर से डेविएशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और Δ2 के लिए कितना देगा, 180 माइनस 2i ऑफ Δ2 आ जाएगा, सॉरी Δ1 आ जाएगा, क्योंकि वही तो आपका क्या है, इंसिडेंस एंगल बना है, तो
तो जरा कर लेते हैं, डेल्टा वन प्लस 180 माइनस ट्वाइस ऑफ डेल्टा वन आ गया, ये कितना आ गया 180 माइनस डेल्टा वन आ चुका है, ये क्या आ गया, ये मेरे पास आया जी डेल्टा सॉरी डेल्टा वन। ठीक है, अब डेल्टा वन ये यहां पर आया कितना था, इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसके लिए, तो हमारे पास म्यू माइनस वन इंटू ए, ए इंटू म्यू माइनस वन होता है, तो क्या हो जाएगा भाई इसका फॉर्मूला, तो ये आपका बराबर में आ जाएगा। अच्छा, इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 दे दिया गया है, 1.5 माइनस 1 इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 4, आंसर क्या आ जाएगा 2 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 डिग्री, कितना आएगा 178 डिग्री। बहुत इजी है चीजें, ये आ गया आपका डी 7 आ गया, इसका ये आंसर हो जाएगा 178 डिग्री मैच होता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आ जाइए डी 8 पर, डी 8 पर आ जाइए, डी 8 पर आपका क्या दरकार है, प्रॉब्लम नंबर एट के अंदर ये आपका है भाई एक इक्विलेटरल प्रिज्म बना दिया, ठीक है बहुत बढ़िया भाई, इक्विलेटरल बना दिया इसको, ये 60 डिग्री है, ठीक है और क्या दिया गया है, और दिया गया है भाई इसके अंदर इसका जो सी है मतलब क्रिटिकल एंगल है वो है आपका 45 डिग्री, एक रे इसके ऊपर इंसिडेंस है, इस वाले फेस के ऊपर आपका नॉर्मल इंसिडेंस है, मतलब कि थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं भाई जरा इसको, आपको देखने में सहूलियत हो, ये आपका ये कितना है 60 डिग्री है भाई ये, ठीक है तो ये आपका इस तरीके से इसके ऊपर इंसिडेंस है। अच्छा, जब ये 60 डिग्री है तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, ये भी इसके ऊपर 60 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका R1 तो क्या हो चुका है 0 हो चुका है, तो सब जो भार लेना पड़ेगा सारा का सारा वो R2 को ही लेना पड़ेगा, R2 कितना हो जाएगा 60, क्योंकि R1 प्लस R2 कितने होते हैं A के बराबर हो जाता है भाई, है ना। अब जब ये A के बराबर हो जाता है, अब जरा देखो कि ये जो एंगल है भाई यहाँ पर, ये वाला एंगल, क्योंकि ये डेंसर से रेयरर में एंटर करने के लिए तैयार बैठी है रे, तो ठीक है, लेकिन ये तो सी से बड़ा हो चुका है, अब C से बड़ा हो चुका है तो खेल तुम समझते ही हो भाई, क्या हो जाएगा ये, अब आएगा इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, कोई बात नहीं भाई, ये हो गया कितना 60, ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, अच्छा ये जो पूरा ट्रायंगल बन रहा है ये तो 180 का होता है, ठीक है तो 60 प्लस 30 90, और ये फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90, मतलब ये रे जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगी, और परपेंडिकुलर निकलेगी तो डिविजन नहीं होगा, ठीक है तो अगर इसके अंदर आपसे ये चीज पूछी जाए भाई रे आपकी आई, ठीक है तो क्या क्या चीज थी भाई, सेकंड सरफेस से क्या हो जाएगा इसका टी आई आर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और थर्ड सरफेस से क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर निकल जाएगी। अच्छा बाई चांस क्वेश्चन के अंदर डेविएशन पूछ ले, यहां कोई डेविएशन नहीं होगा, यहां पर भी कोई डेविएशन नहीं होगा, जो हुआ वो यहां पर हुआ, तो 180 माइनस 2 इंटू 60, ठीक है ये बाय चांस पूछ ले तो कितना हो गया, एक तरीके से 60 डिग्री का डेविएशन हुआ रे के अंदर, ठीक है और कहीं डेविएशन हो भी नहीं रहा है, तो चलो बस ये चीज थी डी 8 यहाँ पर, इस तरीके से करके रे डायग्राम बनाने पर ही खत्म हो जाता है एक तरीके से आपका, ठीक है आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 को रीड आउट कर लीजिए, इसको मैं टाता हूं, भाई एक प्रिज्म है फिर से, इसका ए एंगल फाइंड आउट करना है इस बार, ठीक है इसका ए एंगल इस बार फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका रूट टू दे दिया है, और अच्छे से लिख देते हैं रूट टू दे दिया गया है, ठीक है एंगल ऑफ इंसिडेंस भी
देख दिया गया कितना है 45 डिग्री। अब मुझे ए निकालना है सो दैट 45 डिग्री पर आपका जो है मिनिमम डेल्टा, मतलब डेल्टा मिनिमम अचीव हुआ है। अब डेल्टा मिनिमम अचीव हुआ है तो इसका मतलब तो ये है कि ये आर वन और ये आर टू आपके इक्वल होते हैं और एमर्जेंस एंगल भी आपका इंसिडेंस एंगल के इक्वल होता है, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अच्छा जब ये 45 डिग्री हो चुका है ठीक है, और आपका कितना है यहाँ पर ये चीज आ चुकी है, तो आर वन मेरे पास क्या हो जाएगा, एक तरीके से आर वन मेरे पास आ जाएगा क्योंकि आर वन इज इक्वल टू आपका आर टू है ठीक है, और आर वन प्लस आर टू तो आपका ए है, तो आर वन कितना हो जाएगा एक तरीके से ए बाय टू हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख दूं ए बाय टू, अब स्नैप्स में लगा देता हूं साइन 45, साइन 45 अपॉन में साइन ए बाय टू इज इक्वल टू कितना आ गया रूट टू आ चुका है भाई, साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू रूट टू, यहां पर ऊपर लेके आ जाते हैं इसको साइन ए बाय टू, भाई ये इसके नीचे आएगा साइन ए बाय टू 1/2 आ जाएगा ठीक है। इसका मतलब ए बाय टू की वैल्यू कितनी है, ए बाय टू इज इक्वल टू 30 डिग्री है भाई, ए बाय टू कितना है 30 है, दिस एम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। कोई शक नहीं होना चाहिए ठीक है, हमने सब कुछ मेथड सब कुछ सही करा है, अब जो कोई हो सकती है कैलकुलेशन मिस्टेक, लेकिन मुझे पता है आंसर भी मैच कर रहा है, जिसका तो पूरा का पूरा ये सही गया है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब आते हैं D10 प्रॉब्लम पे, D10 प्रॉब्लम को फटाफट से रीड आउट करिए आप लोग, D10 प्रॉब्लम को फटाफट से रीड आउट करिए, खाली नहीं बैठना है भाई। D10 प्रॉब्लम के अंदर आपका क्या है भाई, आई थिंक पेन बदल लेते हैं कोई बात नहीं भाई, ठीक है। D10 प्रॉब्लम के अंदर ये एंगल आपको दे दिया गया है ठीक है, ये कितना दिया गया है रूट टू दिया गया है, और पूछा गया है कि भाई एंगल आई बताओ कि आपका जो है डेल्टा मिनिमम हो ठीक है। तो अभी हमने सॉल्व करा है, हमारा आंसर क्या आया था 60 आया था, और ये भी क्या था हमारा रूट टू था, और आई वहां पर 45, तो आई हमारा कितना आ जाएगा 45। लेकिन नहीं भाई ये तो चीटिंग हुई, पिछले वाले क्वेश्चन का यूज कर लिया ना, ऐसे नहीं करते हैं हम, पूरा इसको मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरीके से हो रहा है भाई। जब ये आपका यहाँ पर हमें क्या क्या चीज अवेलेबल है भाई, एक तो डेल्टा मिनिमम वाली कंडीशन काफी रहती है हमारे लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा, दोनों ही क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, क्यों डेल्टा मिनिमम है, ये आपका क्या हो जाएगा एमरजेंसी एंगल हो जाएगा, और ये भी किसके इक्वल हो जाएगा आई के, क्योंकि आप देखो ये वहीं से ही आती है सारी की सारी चीजें ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, R1 मेरे पास कितना हो जाएगा, जब ये दोनों बराबर है R1 प्लस R2 मेरे पास क्या होता है ए होता है, और R1 इज इक्वल टू क्या है R2 दे ही रखा है, तो R1 कितना हो जाएगा ए बाय टू, R1 यहां पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री आ गया मेरे पास, ये 30 डिग्री। अब साइन आई अपॉन में साइन R1 भाई इस वाले सरफेस पे मैंने स्नैपशॉट लगा दिया, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहां पर कितना आ जाएगा √2 इसका 1 ठीक है, क्या हो जाएगा भाई साइन आई निकालना है, साइन R1 इधर जाके वही कितना हो जाएगा भाई साइन R1 की वैल्यू 1/2 इंटू रूट टू, साइन आई कितना है 1/√2, आई की वैल्यू भाई कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई यहां से, वही चीज आनी भी चाहिए थी क्योंकि पिछले क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे थे हम तो ठीक है, कितना आ गया आई इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर
इलेवन पे आते हैं, सो डी इलेवन के अंदर, डी इलेवन क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको क्या दिया गया है, डी इलेवन क्वेश्चन के अंदर आपको इक्विलेटर प्रिंट दिया है। इक्विलेटर का मतलब समझते हैं भाई, 10वीं पढ़ी है मैथमेटिक्स इतनी, इक्विलेटर मतलब 60 डिग्री। और क्या दिया गया है भाई, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका दे दिया गया है 55 डिग्री। और उसके बाद आपका क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस दे दिया गया, एंगल ऑफ इमरजेंस कितना दिया गया भाई, 46 डिग्री। पूछा गया है कि भाई डेल्टा मिनिमम के ऊपर इसके अंदर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जरा देख लेते हैं इसके अंदर डेल्टा है कितना। भाई डेल्टा मिनिमम जब आपका अचीव होता है, आप लोग समझदार लोग हो, इतने टाइम से मैंने काफी बार बोल भी दिया है, जब डेल्टा मिनिमम होता है आपका तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ई हो जाता है, मतलब ये दोनों आपके एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो आपका डेल्टा मिनिमम हो जाता है। डेल्टा मिनिमम का मतलब बार बार बोल रहा हूँ, आपका डेविएशन की बात कर रहा हूँ, डेल्टा मतलब डेविएशन आपका, ठीक है। तो यहां पर जरा डेविएशन देखते हैं कि कितने, यहां पर तो आपके अनइक्वल है, तो आपका डेल्टा मिनिमम से तो ये डेविएशन आपकी ज्यादा ही होगी अनइक्वल पे, जरा देखते हैं कितनी है भैया, ठीक है। ये देखते हैं, ये आएगी डेल्टा, डेल्टा होता है आपका आई प्लस ई माइनस ए होता है। आई कितना हो गया भैया हमारा, आई हो गया 55, मतलब 55 इंग्लिश में। ई कितना हो गया हमारा, 46 दे रखा है, माइनस कितना है 60 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 41 डिग्री। ये हमारे पास आया डेल्टा फॉर दिस पर्पज। अभी डेल्टा मिनिमम की अगर हम बात करेंगे तो वो तो लेस देन ही होगा ना 41 डिग्री से, इससे तो कम ही होगा, क्योंकि तब क्या करेंगे, तब हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, जब हम इसको थोड़ा कम करेंगे तो हमारी ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 46 नहीं रहेगा, अब समझ रहे हैं, ये हमारा क्या, देखो जब हम इसको कम करेंगे तो हमारे पास थोड़ा सा बढ़ेगा, तो एक ऐसी बीच में कोई वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो उसकी अभी हमें उसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, मेन चीज आपका ऑप्शन यहाँ से मैच हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। सो पढ़ते रहिए भाई अच्छे से, मन लगा के पढ़िएगा आप लोग, हम फिर से मिलेंगे, हो सके तो आप अपने डाउट्स खुद से ही कोशिश कीजिए, वहीं से आपका डेवलपमेंट होगा, नहीं होता है तो इस प्लेटफॉर्म पे आइए आप हमारे, ठीक है, पूरा अच्छे से आपको डिटेल्स मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में आपको डालते रहिए, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज़ सुनने में या समझने में कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप उसको अपने कमेंट सेक्शन में डाल के आप बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।